Myself Aman Jaiswal. Basically, I'm an English teacher from last 2.5 years and teaching English to student of 8th, 9th, 10th standards. So today in this video, I would like to discuss the things, the do's, which can help you to, you know, be fluent in English. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस थिंग. तो बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि जिससे हमारी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी हो सके और ज़्यादा फ्लुएंट हो सके. सो अपने वीडियो के टाइटल में देख लिया, 5 मिनट रूल. तो देर आर 4 5-मिनट रूल्स, 4 5-मिनट रूल. तो अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, जैसे मैंने फॉलो किया और मेरी इंग्लिश जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो गई. और ये चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में. सो बेसिकली फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि 5 मिनट रीडिंग. 5 मिनट रीडिंग, वट एवर यू लाइक टू रीड, जस्ट रीड इट इन इंग्लिश. देर आर थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स, लैक्स ऑफ आर्टिकल्स ऑन गूगल. आप गूगल पे अपनी कोई इंटरेस्ट की चीज़ टाइप करिए, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, कुछ भी, जिससे भी आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, नॉवेल, स्टोरी, कुछ भी, आप उसको सर्च करिए और उसके बारे में आप पढ़िए. आप पढ़िए सिर्फ 5 मिनट्स, एक स्टोरी, कुछ तो पढ़िए, बस कुछ पढ़िए रोज 5 मिनट. उसके बाद 5 मिनट कुछ इंग्लिश में स्पीच सुन लीजिए, कोई भी स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच भी हो सकती है. थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब, नो, वहाँ पे इंग्लिश स्पीचेस अवेलेबल है, मोटिवेशनल स्पीचेस अवेलेबल है. तो उन स्पीचेस को आप सुनिए एंड आपकी जो इंग्लिश है, लिसनिंग एबिलिटी इंग्लिश में, वो इम्प्रूव होगी. रीडिंग से वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, लिसनिंग से लिसनिंग वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी. उसके बाद क्या करना है, कोई फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड होगा जो आपसे ज़्यादा बेटर होगा इंग्लिश में, उसके साथ मतलब मिल के बात कर सकते हैं 5 मिनट. तो 5 मिनट उसके साथ कम्युनिकेट करिए मिल करके. नहीं कर सकते कॉल पर करिए कम्युनिकेट, बट करिए ज़रूर. तो 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया यहाँ पे. उसके बाद 5 मिनट क्या करना है, लिखना है. आप कुछ भी सीखते हो, कुछ भी समझते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ अच्छा लगता है तो उसको 5 मिनट बस लिखिए रोज़. तो ये गारंटी 20 मिनट्स आपको इंग्लिश सिखा देंगे अगर आप ये चारों, मतलब 5 मिनट्स, देर आर 4 5-मिनट रूल, अगर आपने ये सबको फॉलो किया ना, इट इज़ गारंटीड कि आप जो है इंग्लिश सीख जाएंगे. ओके, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो इंग्लिश में चलने लग जाएगी, आप इंग्लिश में ही सोचने लग जाओगे और इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने लग जाओगे आप. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये फॉलो करें. इन चीज़ों ने मुझे इंग्लिश सिखा दिया. मैं आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश. देर इज़ नो, यू नो, ऑब्स्टेकल इन माई वे. टुडे आई एम टीचिंग एंड स्पीकिंग, आई एम वेरी मच गुड एट इट. दैट्स व्हाई एम टीचिंग ना. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने मतलब इन रूल्स को फॉलो किया और इसी वजह से मुझे जो है मेरी इंग्लिश जो है बेटर हो गई, होती चली जा रही है. सो दीज आर थिंग्स, आई होप यू लाइक दिस थिंग्स, दिस रूल्स. सो अप्लाई दिस एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. So thank you so much.